तो हेलो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप आय प्रमाण पत्र बिहार का कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमको आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए सीधे क्रोम ब्राउज़र पे जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम सर्विस प्लस। सर्विस प्लस लिखने के बाद यहाँ पे ऑफिशियली बिहार गवर्नमेंट का यहाँ पे साइट आ जाएगा। तो यहाँ पे साइट आ जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने तो हमारा ये मेन पेज ओपन हो जाएगा। तो आप मुझे आय अप्लाई करना है, तो मैं आपको आय बता देता हूँ कि आय कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे सामान प्रशासन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन है, तो आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो बनाना हो, आय प्रमाण पत्र अंचल स्तर से या फिर अनुमंडल या फिर जिला स्तर से, तो आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो अनुमंडल में बनाने के लिए आपको अंचल का भी सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा। तो मुझे अंचल का बनाना है, तो मुझे अंचल पर क्लिक करना है, तो मैं अंचल पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर दिया गया है जेंडर का ऑप्शन, तो जेंडर का ऑप्शन पे आप लोग जो जेंडर है तो उसका क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्त्री क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पे श्रीमती सुश्री लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई अभिवादन भी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है एप्लीकेंट का नेम, तो एप्लीकेंट के नेम पे भी यहाँ पे आप यहाँ पे डाल देना है एप्लीकेंट का नेम। तो एप्लीकेंट का नेम लिखने के बाद स्पेस अगर आप लगाएंगे, तो यहाँ पे बगल में हिंदी का ऑप्शन ऑटोमेटिक में आ जाता है, हिंदी का ऑप्शन में। यहाँ पे अगर बाय द वे नहीं आता है, तो आप इसको नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद नीचे दिया गया है पिता का नाम, तो पिता का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम दिया है, तो माता का नाम भी भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे दिया हस्बैंड का नेम, तो लेडीज़ का शादी हो गया है, तो हस्बैंड का नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे दिया है यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी, तो आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भर सकते हैं। मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, ईमेल आईडी नॉर्मली है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और उसके बाद नीचे दिया है यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे से स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जिले का ऑप्शन दिया, तो जिला का ऑप्शन आप जिस जिले से मतलब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया है अनुमंडल, तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा आप जिस सब डिस्ट्रिक्ट में मतलब बिलोंग करते हैं वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे दिया ब्लॉक का ऑप्शन, तो किस ब्लॉक से आप मतलब हैं, तो वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है ग्राम पंचायत, यहाँ पे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, ये स्थानीय निकाय का प्रकार है। तो आप जिस स्थानीय निकाय में मतलब जिस स्थानीय निकाय से बिलोंग करते हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत डालता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से वार्ड संख्या डाल देना है। वार्ड संख्या डालने के बाद यहाँ पे नीचे ग्राम पंचायत का ऑप्शन है, तो आप ग्राम पंचायत को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज का ऑप्शन है, तो विलेज को फिल कर दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे डाकघर का ऑप्शन है, तो डाकघर का ऑप्शन में यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थाना पुलिस स्टेशन का ऑप्शन है, तो पुलिस स्टेशन यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे दिया गया पिन कोड का, तो पिन कोड यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। आधार नंबर मत डालिएगा, नहीं तो आपके अगर आधार में मोबाइल नंबर होगा तो उस पर OTP जाएगा, और आधार में फ़ोन नंबर नहीं होगा तो फिर से आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप आधार नंबर नहीं भी डालिएगा तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है फोटो का ऑप्शन, तो इससे चूज़ फाइल करके आप फोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया यहाँ पर पेशा का ऑप्शन, तो आप मतलब वो क्या काम करते हैं, सरकारी नौकरी, निजी सेवा, मतलब ये, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर छात्र डाल देता हूँ। उसके नीचे दिया है आवेदक का उद्देश्य, आवेदक का उद्देश्य में आपको डाल देना है मतलब किस चीज़ के लिए अप्लाई किया जा रहा है फॉर्म, शिक्षा है तो या फिर नौकरी के लिए या फिर कोई और कोई चीज़ के लिए, उसके बाद यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सरकारी सेवा से आए, अगर सरकारी सेवा कोई है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप मतलब पूरा इनकम कितना होता है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा सरकारी सेवा से। उसके बाद अगर कृषि है तो कृषि से भी आप डाल सकते हैं, अगर व्यवसाय है तो व्यवसाय से डाल दीजिएगा, अगर अन्य स्रोत से कोई इनकम आ रहा है तो अन्य स्रोत से डाल दीजिएगा। तो आपको जिस जिस में आपका इनकम आ रहा है वहाँ उसमें आपको डाल दीजिएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप करके उसके बाद आपको बताता हूँ यहाँ पर। वहाँ से आपको प्रोसीड कर देना, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। और नेक्स्ट पेज के बाद यहाँ पे आपको ऊपर से फॉर्म देख लेना आपका कहीं गलती तो नहीं है ना, गलती होगा तो आप यहाँ से एडिट के ऑप्शन पे जाके आप फिर से एडिट कर सकते हैं उसको। तो मुझे एडिट नहीं करना, तो मैं यहाँ पे अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे अपना आइडेंटिटी,
मतलब डॉक्यूमेंट डाल देना है आइडेंटी कार्ड, तो आपके पास जो हो वो डाल दीजिएगा। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ यहाँ से। तो आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब भी चलेगा यहाँ पे, तो मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हमारे नीचे यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा ये वाले पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद हमको इसको पीडीएफ में क्रिएट करना, तो पीडीएफ में क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इसको जहाँ पे भी रखना है उस पर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जो से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरह के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जो से कर दीजिएगा।